हेलो गाइस, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब, नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एक नया अर्निंग प्लेटफॉर्म, जिसके थ्रू आप लोग कैप्चा को फिल करके अर्निंग कर पाएंगे। बहुत ही अच्छे खासे अर्निंग इस एप्लीकेशन से, इस वेबसाइट से आप लोग कर पाएंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कैसे इस वेबसाइट में आप लोग रजिस्टर कर पाएंगे, कैसे यहां से विड्रॉल कर पाएंगे, कैसे यहां पर कैप्चा को फिल कर पाएंगे, कैप्चा को फिल करके कैसे अर्निंग कर पाएंगे। इन सारे चीजें आज इस वीडियो के अंदर अच्छे से देखेंगे और इस चीज को समझेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक के साथ। उसके पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो फ्यूचर में ऐसा ही वीडियोस देखने के लिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो में एक लाइक जरूर कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक में जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से एक वेबसाइट ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं होम डेटा एंट्री वर्क इंस्टेंट पेमेंट इजी टू स्टार्ट, यहाँ पर कैप्चा एंट्री जॉब मिलते हैं यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर कैप्चा सॉल्विंग सर्विस। तो यहाँ पर इस तरीके से कैप्चा दिया जाता है, जिस कैप्चा को फिल करने के बाद आपको यहाँ पर पेमेंट मिलते हैं या फिर आपको अर्निंग होता है, ठीक है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ पर अर्निंग होता है। यहाँ पर बताया गया है कैसे आपको अर्निंग होता है, मतलब कितने कैप्चा सॉल्व करने के बाद आपको $1 मिलेगा, कितने कैप्चा को फिल करना पड़ता है उसके बाद आपका पेमेंट होता है। इन सारे चीज़ें यहाँ पर बताया गया है, आप इस वेबसाइट में जैसे ही एंटर होंगे तो इन सारे चीज़ें आप ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको स्टार्ट वर्क करने के लिए, यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है स्टार्ट वर्क। तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे स्टार्ट वर्क पर, तो सिंपली यहाँ पर आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो सिंपली यहाँ पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। यहाँ पर तीन बॉक्स दिया गया है, पहले वाला बॉक्स में आपको यहाँ पर मेल आईडी एंटर करना पड़ेगा, उसके बाद सिंपली आपका पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा, फिर से आपको दोबारा उस पासवर्ड को इस बॉक्स में एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पर एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, आई एग्री टू द टर्म्स ऑफ सर्विस एंड प्राइवेसी पॉलिसी। तो सिंपली आपको इस बॉक्स में एंटर करना पड़ेगा। इस बॉक्स में एंटर करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है येलो कलर का, देख सकते हो कंटिन्यू। तो सिंपली इस कंटिन्यू में जैसे क्लिक करेंगे तो सिंपली आप इस वेबसाइट में रजिस्टर कर जाएंगे। यहाँ पर और भी एक मेथड दिया गया है, जैसे कि साइन अप विथ गूगल एंड साइन अप विथ फेसबुक। अगर आप चाहते हो आपका मेल आईडी के थ्रू यहाँ पर डायरेक्टली रजिस्टर करना, तो सिंपली आप यहाँ से साइन अप विथ गूगल में क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल में जो भी मेल आईडी अवेलेबल है उस मेल आईडी आपका सामने आ जाएंगे, उस मेल आईडी के थ्रू आप यहां से साइन अप कर पाएंगे। यहां पर और एक ऑप्शन दिया जाता है, देख सकते हो साइन अप विथ फेसबुक। आप फेसबुक के साथ अगर साइन अप करना चाहते हो तो फेसबुक के साथ भी आप साइन अप कर पाएंगे। यहां पर टैप करेंगे तो सिंपली आप फेसबुक आईडी को लॉगिन करके यहां से साइन अप कर पाएंगे। तो यहां पर आप चाहते हो तो सिंपली ईमेल आईडी पासवर्ड एंटर करके यहां पर साइन अप करना, तो सिंपली साइन अप कर सकते हो। और डायरेक्ट गूगल के साथ अगर साइन अप करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। तो मैं पहले से यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करके रखा है, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, तो सिंपली यहाँ पर साइन इन में क्लिक कर दूंगा। साइन इन में जैसे क्लिक करूँगा तो सिंपली मेरा सामने दूसरा एक पेज ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, ईमेल आईडी एंटर करना पड़ेगा और पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। जो ईमेल आईडी मैं रजिस्टर करने के टाइम दिया था उसी ईमेल आईडी को यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। जब मैंने रजिस्टर किया था, रजिस्टर करने के टाइम जो पासवर्ड मैंने एंटर किया था उस पासवर्ड को यहाँ पर एंटर करके यहाँ पर कंटिन्यू कर लेना है। अगर आपने डायरेक्ट गूगल के साथ साइन अप किया हो तो सिंपली यहाँ पर साइन इन विद गूगल यहाँ पर क्लिक करके फिर आप साइन अप कर पाएंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पर लॉग इन कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मेल आई डी और पासवर्ड को एंटर कर दूंगा, उसके बाद सिंपली यहाँ पर कंटिन्यू में क्लिक कर दूंगा। कंटिन्यू में जैसे ही क्लिक कर दिया यहाँ पर मेरा सामने वेबसाइट का डैशबोर्ड ओपन हो गया है। यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलते हैं बैलेंस, यहाँ पर कितना बैलेंस अवेलेबल है आपको शो हो जाएंगे। और यहाँ पर सिंपली आपको पे आउट रिक्वेस्ट पे आउट पेमेंट हिस्ट्री ट्रांसफर फंड टू अनदर अकाउंट इन सारे चीज़ें मिल जाता है। पेमेंट हिस्ट्री में क्लिक करेंगे तो सिंपली आपका अकाउंट में कितना पेमेंट अवेलेबल है और कब यहाँ पर क्रेडिट हुआ है सारे चीज़ें आप लोग यहाँ से चेक कर पाएंगे, जैसे कि टू डे यस्टरडे लास्ट 7 डेज इन सारे डेटा आपको यहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद सिंपली यहाँ पर 3 बार दिखाई देंगे मेनू आइकॉन, ठीक है, मेनू बार में जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है डैशबोर्ड स्टार्ट वर्क पे आउट सपोर्ट सॉफ्टवेयर ब्लॉक। इसका ऐप भी अवेलेबल है जिसको आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पर मैं पे आउट में क्लिक करूंगा, आपको कैसे पे आउट मिलेगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट विड्रॉल में ऑप्शन में आ चुका है, रिक्वेस्ट विड्रॉल ऑफ फंड्स यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन वगैरह दिया गया है, कुछ यहाँ पर अपडेट दिया गया है, आप इसको चेक कर लेना, ठीक है।
यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया है पे आउट टू पेपल वेस्टर्न यूनियन बैंक अकाउंट आर नॉट अवेलेबल विल नेवर बी अवेलेबल। तो सिंपली यहाँ पर आप बैंक अकाउंट में पेपल में वेस्टर्न यूनियन में यहाँ पर विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर जो वॉलेट दिया गया है उस वॉलेट के थ्रू ही आपको विड्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर जो वॉलेट दिया गया है उस वॉलेट के थ्रू ही आपको विड्रॉल करना पड़ेगा। क्रिएट पे आउट रिक्वेस्ट अवेलेबल फंड्स मिनिमम विड्रॉल अमाउंट वॉलेट टाइप वॉलेट डेटा। तो सिंपली आपका वॉलेट ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर चेंज वॉलेट यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो सिंपली आपके सामने वॉलेट मिल जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे वॉलेट अवेलेबल है। आप जिस वॉलेट को सिलेक्ट करेंगे उस वॉलेट का मिनिमम विड्रॉल कितना है आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। यहाँ पर सारे वॉलेट का मिनिमम विड्रॉल यहाँ पर शो हो जाएंगे। आप जिस भी वॉलेट में विड्रॉल लेंगे उस विड्रॉल का फीस कितना लगते हैं आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर ज़्यादातर मतलब विड्रॉल वॉलेट में 0% फीस ही लगते हैं। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा फीस देने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ से पेयर ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं पेयर में मिनिमम विड्रॉल आप चेक कर पाएंगे। यहाँ पर $0.50 हो जाएंगे तो यहाँ से विड्रॉल ले पाएंगे पेयर ऑप्शन में। ठीक है, पेयर वॉलेट से जैसे कि पेयर वॉलेट में क्लिक करेंगे। पेयर वॉलेट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका पेयर जो आईडी होता है वॉलेट आईडी उस आईडी को यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। अगर आपका पेयर आईडी नहीं है पेयर वॉलेट नहीं है तो सिंपली पेयर वॉलेट में कैसे अकाउंट बनाते हैं इसके बारे में जानने के लिए आप सिंपली नीचे कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा कैसे पेयर अकाउंट को ओपन किया जाता है और आईडी बनाते हैं। उसके बाद पेयर आईडी बनाने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, पेयर वॉलेट आईडी यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद सेव कर देंगे तो सिंपली आपका वॉलेट ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो सिंपली इस तरीके से आप विड्रॉल कर पाएंगे। मिनिमम $0.50 हो जाएंगे तब आप पेयर से विड्रॉल ले पाएंगे बहुत ही इजीली। तो अभी बात करते हैं कैसे आप यहां से काम कर पाएंगे, कैसे कैसे आपको जॉब मिलेगा। ठीक है, कैप्चा जॉब आपको कैसे मिलेगा। यहां पर थ्री बार में क्लिक करेंगे। थ्री बार में क्लिक करने के बाद सिंपली यहां पर ऑप्शन है देख सकते हैं स्टार्ट वर्क। तो सिंपली स्टार्ट वर्क में क्लिक करेंगे। स्टार्ट वर्क में क्लिक करने के बाद आपके सामने दूसरा एक इंटरफेस ओपन हो जाएंगे। तो सिंपली यहां पर एक ऑप्शन बताया गया है देख सकते हो, टू अर्न मोर फंड प्लीज यूज आवर ऐप फॉर एंड्रॉयड एंड विंडोज डेस्कटॉप यू विल बी एबल टू सॉल्व कैप्चर्स विथ हायर रेट। तो सिंपली आपको क्या करना है, इसका जो एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड कर लेना है। इसको डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन दिया गया है। इस ऑप्शन में जैसे क्लिक करेंगे तो सिंपली आपके सामने गूगल प्ले स्टोर का एक ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से डाउनलोड में जैसे क्लिक करेंगे गूगल प्ले स्टोर ओपन हो जाएंगे, वहाँ से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे। तो सिंपली मैं अभी के लिए इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करूँगा, यहाँ पर मैं क्रॉस वाले आइकन में क्लिक कर दूंगा। तो सिंपली यहाँ पर हट जाएंगे, यहाँ पर मेरा जो है अर्निंग वाले सेक्शन यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो सिंपली यहाँ पर आपको मतलब कितना बैलेंस अवेलेबल है यहाँ पर शो हो जाएंगे। यहाँ पर आपका शो हो जाएंगे कितना कैप्चा को फिल किया हो आप यहाँ पर शो हो जाएंगे। और यहाँ पर 98% स्कोर मैंने किया है। जब इस अकाउंट को रजिस्टर करने के बाद एक टेस्ट देने पड़ता है, उस टेस्ट को देने के बाद मेरा स्कोर हुआ है 98%। जब आपने इस वेबसाइट पर पहली बार रजिस्टर करोगे तो सिंपली आपको एक छोटा सा टेस्ट देना पड़ता है, उस टेस्ट को देना मैंडेटरी है। उस टेस्ट को आप जब ही दे देंगे तो सिंपली आप यहां पर क्वालिफाई कर जाएंगे कैप्चा जॉब फिल करने के लिए। ठीक है, वहां पर 16 या फिर 18 कैप्चर्स रहते हैं जिसको सॉल्व करना पड़ता है। उस कैप्चर्स को अगर आपने फिल कर दिया है अच्छे से तो सिंपली आप यहां से बहुत सारे कैप्चर फिलिंग जॉब मिल जाएंगे। अच्छे से आपको उस कैप्चर को फिल करना पड़ेगा। ठीक है, और इस साइड में आपको एक सेटिंग्स का आइकॉन देखने को मिलेगा। इस सेटिंग्स आइकॉन में जैसे क्लिक करेंगे तो सिंपली आपके सामने कुछ ऑप्शन यहाँ पर शो हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर स्पीकर्स का, इसको अगर ऑफ करना चाहते हो ऑफ कर सकते हो। यहाँ पर ब्राइटनेस का ऑप्शन मिल जाता है, इसको अगर डार्क मोड में करना चाहते हो डार्क मोड कर सकते हो। और यहाँ पर ऑल कैप्चर्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर सिंपल कैप्चर्स एंड सिलेक्ट कैप्चर्स आपके हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर सिंपल कैप्चर्स यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद सिंपली यहाँ पर ऑप्शन है स्टार्ट वर्क। तो सिंपली यहाँ पर स्टार्ट वर्क में जैसे क्लिक करेंगे तो सिंपली मेरा सामने कैप्चर आने स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर बताया गया सिलेक्ट वन पिक्चर मैचिंग हैंड एंगल रिएक्शन। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ पर ग्रीन वाला आइकन में क्लिक कर दूंगा तो सिंपली मेरा कैप्चर यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं फिर से एक कैप्चर आ चुका है। इस कैप्चर को यहाँ पर देख करके इस बॉक्स में टाइप करना पड़ेगा। और यहाँ पर एक टाइमर भी शो हो रहा है। इस टाइमर शो होने से पहले आपको यहाँ पर कैप्चर को फिल करना पड़ेगा। तो सिंपली मैं यहाँ पर कैप्चर को फिल कर देता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पर कैप्चर को फिल कर दिया है। आप क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक ब्लू कलर का और एक ग्रीन कलर का। तो सिंपली आपको कैप्चर को फिल करने के बाद ग्रीन कलर में आपको टैप कर देना है। तो सिंपली ग्रीन कलर में टैप कर दिया है और मेरा कैप्चर शो हो चुका है, सबमिट हो चुका है। तो सिंपली यहाँ पर दूसरा कैप्चर आ चुका है और यहाँ पर टाइमर भी स्टार्ट हो गया है। तो सिंपली इस कैप्चर को मेरे को देखकर भी यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा।
तो सिंपली मैं यहाँ पर दूसरा कैप्चा भी यहाँ पर टाइप कर दिया है, फिर से सबमिट कर दूंगा और यहाँ पर दूसरा कैप्चा भी आ चुका है। प्लीज़ क्लिक ऑन द मोस्ट सिमिलर ऑब्जेक्ट द फॉलोइंग रेफरेंस शेप। तो सिंपली मेरा को यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद सिंपली यहाँ पर ब्लू वाले सिंपली यहाँ पर ग्रीन वाले आइकन में क्लिक कर दूंगा तो मेरा कैप्चा सबमिट हो जाएंगे और यहाँ पर मेरा बैलेंस भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर मैंने अभी तक 3 कैप्चर्स यहाँ पर सबमिट किया है, देख सकते हैं यहाँ पर बैलेंस भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो चुका है। फिर से यहाँ पर कैप्चा आ जाएंगे, यहाँ पर लोडिंग ले रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर फिर से एक कैप्चा आ चुका है, इस कैप्चा को मेरा को फिल करना पड़ेगा। इस कैप्चा को मैं फिल कर देता हूँ, तो सिंपली इस कैप्चा को फिल कर दिया है। फिर से मैं ग्रीन वाला आइकन में क्लिक कर दूंगा तो मेरा कैप्चा सबमिट हो जाएंगे। तो आपको इस तरीके से कैप्चा को सबमिट करते जाना है, जितने भी कैप्चा आएंगे उस कैप्चा को सबमिट करेंगे, जितने टाइम यहाँ पर स्पेंड करेंगे, जितने टाइम यहाँ पर काम करेंगे, उतने ज़्यादा अर्निंग इस वेबसाइट से आप कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से भी कैप्चा मिलते हैं, देख सकते हो यहाँ पर ऊपर में कुछ आइकन शो हो रहा है, इस आइकन को देख करके आपको नीचे सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, 1, 2, यहाँ पर 3, 4, 5 आइकन यहाँ पर दिए गए, 5 आइकन मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, फिर से सबमिट कर दिया है। तो यहाँ पर फिर से कैप्चा आ चुका है, देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से कैप्चा आते रहेंगे। इस कैप्चा को फिल करना पड़ेगा और आपको अर्निंग करते जाना है, ठीक है। इस तरीके से कैप्चा को फिल करते जाना है और अर्निंग आपका इंक्रीज होते रहेंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपको दिखाने का कोशिश किया है कैसे आप कैप्चा फिलिंग जॉब कर सकते हो इस वेबसाइट के थ्रू, ठीक है। अगर आपका मन में कुछ भी डाउट है इस वेबसाइट के रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको हेल्प करने का कोशिश जरूर करूंगा। और इस वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बता सकते हो। आशा करता हूँ इस वीडियो आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको इस वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए। चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो फ्यूचर में ऐसा ही वीडियोज देखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कोई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।